डैड की दुल्हन में जहां एक ओर गुनीत और अंबर की लव स्टोरी पक रही है, वहीं दूसरी ओर एक ही घर में एक ही छत के नीचे अंबर की नाक के नीचे एक और लव स्टोरी धीरे धीरे आ रही है लाइमलाइट में, और ये लव स्टोरी है आरवी और निया की। जी हाँ, आपको बता दें कि शो की कहानी में जरा ट्विस्ट है। जहाँ एक ओर निया का दिल कबीर की वजह से टूटा है कि वो स्वरा के साथ रिलेशनशिप में चला गया, ऊपर से इन दोनों ने एक साथ एक ही घर में मूव इन भी कर लिया, तो ऐसे में बेचारी निया का दिल गया है टूट और धीरे धीरे वो जा रही है आरवी के करीब, क्योंकि कहीं ना कहीं आरवी ही निया को सही रास्ता दिखा रहा है, वक्त वक्त पर उसे गाइड कर रहा है कि उसे अपने करियर और अपनी पर्सनल लाइफ में किसे चुनना चाहिए और दोनों चीजों को कैसे एक साथ हैंडल करना चाहिए। बलजी के साथ अब निया और आरवी एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताने वाले हैं, लेकिन इस बात का पता जब अंबर शर्मा को चलेगा तो भाई अंबर शर्मा प्रेशर कुकर की तरह फटने वाले हैं। आपको बता दें कि धीरे धीरे जब अंबर शर्मा अपनी लव स्टोरी से उबरेंगे, धीरे धीरे जब गुनीत के साथ उनका प्यार ट्रैक पे आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं उन्हें रिलैक्स फील होगा और तब जाकर वो निया की लाइफ में चल रहे मेस की ओर भी ध्यान देंगे। इसी बीच अंबर शर्मा को ये पता लगेगा कि आरवी को निया से हो चुका है प्यार, इन दोनों की धीरे धीरे बढ़ रही हैं नजदीकियां, और इसी के साथ अब पिताजी बनने वाले हैं दोनों की लव स्टोरी के विलन, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह निया गुनीत और अंबर की लव स्टोरी की विलन बनेगी। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये दोनों बाप और बेटी एक दूसरे के प्यार को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। मेरे डैड की दुल्हन में आने वाले हैं मेजर ट्विस्ट एंड टर्न्स, जहां कबीर और स्वरा के बीच भी आपको बहुत सारा झगड़ा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की आदतें इन्हें पसंद नहीं आएंगी, जो इनके बीच के झगड़े की वजह बनने वाली है। इंतजार रहेगा शो में आने वाले इन सभी एंटरटेनिंग ड्रामों को देखने का। फॉर ऑल द लेटेस्ट सीरियल अपडेट्स, सेलिब्रिटी न्यूज एंड व्यूज, प्लीज सब्सक्राइब सीरियल खबरी एंड हिट द बेल आइकन।